वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्री वाइक्यूज के बारे में, और इसमें है जो है ये है पार्ट थर्ड ऑफ काउंट डाउन प्रैक्टिस, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दी जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, या तो आप नोटबुक ले सक पे लिख सकते हैं, या तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है उसका जो भी राइट आंसर है आपको 1 मिनट के अंदर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए, हेटरोस्पोरी इज फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ टेरोप्सिडा। कि जो हेटरोस्पोरी होती है, यानी कि डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं जिसके अंदर मेगा एंड माइक्रोस्पोर आते हैं, तो ये ऑल मेंबर्स ऑफ टेरोप्सिडा के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, मोस्टली टेरिडोफाइट्स के अंदर होमोस्पोरी देखी जाती है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, सिलेजिनेला इज एडवांस अमंग टेरिडोफाइट्स एज इट प्रोड्यूस सीड्स। ये भी रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है, पाइनस लीव्स आर मोनोमोर्फिक पिनेटली कंपाउंड एंड हैव सनकेन स्टोमेटा एज अडेप्टेशन अगेंस्ट ट्रांसपिरेशन। तो पाइनस लीव्स कैसे होते हैं, वो होते हैं नीडल लाइक लीव्स होते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी ऑप्शन है। स्पोरिक मियोसिस इज करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ साइकिल इन मैनी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वोल्वोक्स, क्लेमेडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। तो स्पोरिक मियोसिस ये इनका करेक्टरिस्टिक नहीं होता है, तो सारे ही ऑप्शन इसके अंदर इनकरेक्ट है, ऑल आर इनकरेक्ट। वन ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम अप। क्वेश्चन है, लेंटी सेल्स आर इन्वॉल्व इन। लेंटी सेल्स किस में इन्वॉल्व होती है, तो लेंटी सेल गैसेस एक्सचेंज में, फूड ट्रांसपोर्ट में, फोटोसिंथेसिस में, या फिर ट्रांसपिरेशन में। तो ये जो होती है लेंटी सेल्स, ये गैसेस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। लेंटी सेल्स क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करती है। तो ये जो है यहाँ पे ये लेंटी सेल है, ये एपिडर्मिस हो गई। इसके बाद बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग टाइप की जो वुडी प्लांट्स हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप की लेयर्स होती है, जैसे कि यहाँ पे कोर्क होती है, कोर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये सारी जो है लेयर्स यहाँ पे पाई जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, वुडी प्लांट्स के अंदर लेंटी सेल्स होते हैं। लेंटी सेल्स क्या करते हैं, परमिट करते हैं गैसेस एक्सचेंज को बिटवीन एनवायरमेंट एंड जो इंटरनल टिश्यू स्पेसिस है ऑर्गन्स के, प्लांट के, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेम के, उनके बीच में। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर 1 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम अप। क्वेश्चन है, गटेशन इज द प्रोसेस, इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, गटेशन किसका रिजल्ट होता है? ऑस्मोसिस का, रूट प्रेशर का, डिफ्यूजन या फिर ट्रांसपिरेशन का? तो गटेशन, गटेशन क्या होता है? गटेशन जो है बेसिकली या तो अर्ली मॉर्निंग के अंदर होता है या फिर नाइट के अंदर ही होता है। अब जब कंडीशन क्या होती है, जब सोयल बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है, रूट्स क्या करेंगी, वॉटर को एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है, रूट्स का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करने का। और ये वाटर जो है यहाँ पे, जब वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो बहुत ज्यादा वाटर होने की वजह से जो रूट प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वाटर क्या है वो स्कीज आउट होके जो प्लांट की या फिर लीव्स की टिप्स हैं या फिर ब्लेड्स हैं उनसे निकलता है, इसको गटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड वाटर का लॉस होता है या फिर वाटर का लॉस इन लिक्विड फेज, वो गटेशन कहलाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है रूट प्रेशर की वजह से। तो सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम अप। क्वेश्चन है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन यानी कि जो पार रीजन होता है, हैज द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो रीजन होता है, पार रीजन होता है, इसकी हमें बतानी है कि रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या होगी। तो इसकी रेंज ऑफ वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर होगी, या फिर 450 to 950, 340 to 450 नैनोमीटर, और 500 to 600 नैनोमीटर। तो पीआर रीजन की जो रेडिएशन है, या फिर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है, ये वेरी करता है 400 to 700 नैनोमीटर तक। वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स टिश्यू सिस्टम। कौन सा यहाँ पे अपने टिश्यू सिस्टम से इनकरेक्टली पेयर्ड है? तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स और टिश्यूज दिए हुए हैं, जैसे कि रूट हेयर, डर्मल टिश्यू, पैलिसेड, पैरेन्काइमा, ग्राउंड टिश्यू, गार्ड सेल्स, डर्मल टिश्यू, कंपेनियन सेल्स, गार्ड टिश्यू। तो कंपेनियन सेल्स क्या होती है? कंपेनियन सेल्स फ्लोएम का पार्ट होती है, यानी कि वास्कुलर टिश्यू का ही पार्ट होती है। तो ये इनकरेक्टली पेड है यहाँ पे, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ट्रैकिड वास्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये भी सही है, ट्रैकिड्स वास्कुलर टिश्यू में आएंगी। तो डी यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांट अडेप्टेशन। ये सभी की सभी क्या है? प्लांट अडेप्टेशन है टू लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, लैंड के ऊपर ये प्लांट अडेप्टेशन दी हुई है, एक्सेप्ट इनमें से एक नहीं है। तो ये क्या हो सकती है? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, रूट हेयर्स, क्यूटिकल, कैल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर कोलेनकाइमा। तो इनमें से ये जो कैल्विन साइकिल होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, जिसको बोला जाता है C3 साइकिल, या फिर इसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक फेज, या फिर इसको बोला जाता है कि ये जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है कि ये प्लांट अडेप्टेशन जो है टू लाइफ ऑन लैंड प्लांट ये नहीं होती है, बाकी सभी ही क्या होती है? प्लांट अडेप्टेशन होती है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स टेकन अप फ्रॉम द सोइल। सोइल में से वाटर एंड मिनरल्स, तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि वाटर एंड मिनरल्स सोइल में से सबसे ज्यादा अपटेक करता है? तो इनमें से ऑप्शंस है यहाँ पे, टैप रूट्स हो गई, रूट हेयर्स, द थिक पार्ट्स ऑफ द रूट्स नियर द बेस ऑफ द स्टेम, और स्टोरेज रूट, या फिर सेक्शन ऑफ द रूट दैट हैव सेकेंडरी जाइलम। तो इनमें से अगर हम सिंपली देखें कि सबसे पहला जो पार्ट होता है, ठीक है, लाइक ये रूट हो गई कोई भी, और रूट के अंदर ऐसे रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो कि वाटर को यहाँ से ऐसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट हेयर्स क्या होते हैं? ऐसे पार्ट होते हैं प्लांट के जो कि मोस्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का टेकअप करते हैं सोइल से। तो बी यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाइम अप क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी अ प्लांट अडेप्टेशन दैट इंक्रीजेज एक्सपोजर ऑफ अ प्लांट टू लाइट इन डेंस फॉरेस्ट। तो क्या ऐसी प्लांट की अडेप्टेशन होगी जो कि एक्सपोजर को इंक्रीज कर देगी लाइट के लिए, इस प्लांट के एक्सपोजर को इंक्रीज कर देगी एक डेंस फॉरेस्ट के अंदर। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बिल्कुल गलत है ये। लेटरल ब्लड बर्ड्स, ये भी गलत है। एपिकल डोमिनेंस यानी कि जो एपिकल वाला पोर्शन होता है, जैसे कि ये प्लांट हो गया और इसका ये एपिकल वाला पोर्शन है, ये लेटरल जो पोर्शन है, लेटरल ब्रांचेस है ये है, तो ये एपिकल डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ जाएगी जहाँ पे मेन ब्रांच है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेम है, या फिर इसको बोल सकते हैं सेंट्रल स्टेम जो है वो साइड वाली या फिर लेटरल साइड वाली ब्रांचेस से क्या हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है, और इसी को एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ पिटियोल, ये भी गलत है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये भी गलत है। तो एपिकल डोमिनेंस एक ऐसी प्लांट एडेप्टेशन है जो कि इंक्रीज करती है एक्सपोजर ऑफ अ प्लांट टू लाइट एक डेंस फॉरेस्ट के। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, वास्कुलर प्लांट टिश्यूज इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेल्स टाइप एक्सेप्ट। वास्कुलर प्लांट टिश्यूज के अंदर इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सेल टाइप है, जो कि नहीं होता है। तो वास्कुलर प्लांट के अंदर क्या होता है, जाइलम होता है एंड फ्लोएम होता है, जिसके अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर भी चुके हैं। तो इसके अंदर वेसल एलिमेंट्स, सीव सेल्स, ट्रैकिड्स, कंपेनियन सेल्स, ये सभी ही क्या है, ये सभी ही वास्कुलर टिश्यूज के टाइप है, सेल टाइप्स हैं। कैम्बियम सेल इसका टाइप नहीं है। ठीक है, कैम्बियम सेल वास्कुलर प्लांट टिश्यू की जो सेल का है, सेल के टाइप नहीं है। तो ई यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, व्हेन यू ईट ब्रसल्स स्प्राउट्स, ब्रसल्स स्प्राउट क्या होते हैं, जैसे कि कैबेज होती है। ठीक है, कैबेज के अंदर जो बिल्कुल छोटी सी एक कैबेज का साइज हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं बेबी कैबेज हो गई, उस बिल्कुल छोटे छोटे ये होते हैं ब्रसल्स। तो उन ब्रसल्स स्प्राउट्स जब खाते हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, तो उसका कौन सा पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, इमिच्योर फ्लावर्स, लार्ज एक्सिलरी बड, पिटियोल्स, या फिर स्टोरेज लीव्स, या फिर इसके स्टोरेज रूट्स। तो इनमें से जो ब्रसल्स स्प्राउट है, उसमें से हम प्लांट का जो पार्ट है, या फिर ब्रसल्स स्प्राउट का जो पार्ट है, वो हम ईट करते हैं लार्ज एक्सिलरी बर्ड्स को। ठीक है, लार्ज एक्सिलरी बर्ड्स को हम ईट करते हैं। तो बी यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए।
तो यहां तक हमने कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।